मेरा पनीर भी ले लिया, मेरे जब तक ब्लॉग बना रही थी तब तक उन्होंने मेरा पनीर भी ले लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज यमी हमें लेके जा रहा है डिनर पर, क्योंकि उसने लिया है S22 Ultra। तो पार्टी बाकी थी, मैंने आपको बोला था पार्टी बाकी है, तो बस वो दोनों बाहर वेट कर रहे हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलते हैं फटाफट। तो गाइस मैंने ऑरेंज पहना है, उसने भी ऑरेंज पहना है, वो कॉपी करता है। मैं 3 दिन से ही सेम पहन रहा हूँ, पता है ये मैं बाद में बिलीव कर सकती हूँ कि ये कपड़ा 3 दिन पहन सकता है। और इधर ये आर्मी मैन, इसने नई गंजी ली थी जो उस दिन, वही वाली पहनी है। तो भाई आज तो पार्टी आ रहा, लेकिन ये कोई वो नहीं है, मतलब जब इंसान डाइट पे होता है तभी लोग पार्टी देते हैं, ये भी तो गलत बात है। अरे हम पैदल जा रहे हैं क्या? क्यों? अरे यार खाना तो पचेगा, अभी खाना हो कैसे पचेगा नहीं तो। तो भाई लास्ट टाइम हम मासी लोगों के साथ गए थे अरेबियन दरबार, और जब से मासी लोग गए हैं हमने वहाँ जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 4 किलो बढ़ गया था। तो आज पार्टी मिल रही है तो ले लेते हैं। वैसे तो मैं डाइट पर हूँ, तो देखती हूँ क्या ही खाने मिलेगा मेरे को। क्या? मैं डाइट पर हूँ तो पता नहीं क्या खाने मिलेगा, देखते हैं क्या ऑप्शन मिलेगा। सलाद नहीं, सैलेड खाएगी तू। ठीक है, कौन सा फ्लोर है ये बता दो। टेरेस। मुंह पे मत लगाना कैमरा, बहुत वाइड है रे। तो इतनी दूर आ रही है कि ऐसा लग रहा है 1 किलोमीटर दूर खड़ी है, पता है कौन सी? टॉप गियर लग गया है टॉप फ्लोर पे। ये है तो अच्छा ओपन में, ये देखो मस्त ऊपर खुला आसमान, इधर अरेबियन दरबार मस्त। मतलब तुम यहाँ पर खा रहे हो, ऊपर चिड़िया गई तो खा रहे हो, लेटे हो, ऑर्डर कर दे अभी। क्या खा रहे हो? दे रहा ऑर्डर, 1 an aromit अरेबियन दरबार स्पेशल सूप विद चाउ चिकन। ओके भाई से पूछ लेना। हाँ तो भाई इनका जब तक आ रहा तब तक मैं अपना सैलेड खाएगी बेचारी। ये गूंज बोल रही है मोटी होगी, मोटी होगी ना, मोटी 3 किलो कम किया। अभी देखो नवरात्रि भी आने वाली है, तब तो मेरा बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि मैं फलाहार रखूंगी 9 दिन। 9 दिन खाना नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। अच्छा होता तो भाई मैं भूल गई थी, फयाज के पास भी फोन आ गया है, तो अभी हम एक से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एक से फोटोज खींच सकते हैं, वरना हमेशा फोटोज खींचना भूल जाते थे। फोटो खींच रहा है? हां वो खड़े हो गए। उसी फोन की तो पार्टी खाने आए हैं हम। अरे खड़े हो गए खड़े। क्या फोन की तो हम पार्टी खाने आए हैं। अच्छा इस फोन के लेने की पार्टी खाने आए हैं, ये सब भूल कैसे सकते? ओके इधर आ चुका है खाना गर्मा गर्म, मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए पनीर कोरमा। ठीक है तुम लो पनीर लो, तब तक हमारा आएगा पनीर लो, तब तक हमारा बोटी आएगा बोटी। इधर आ गया इनका खाना। चलो अरे क्या हो गया तेरे को, क्या प्रॉब्लम हो गई? पंखा बंद कर रहा, फयाज बोला पंखा बंद, तेरे बाल, बाप रे। तो भाई खाना आ चुका है और भुक्कड़ लोग शुरू भी हो गए हैं। मेरा पनीर भी ले लिया, मेरे जब तक ब्लॉग बना रही थी तब तक उन्होंने मेरा पनीर भी ले लिया। ये दही है क्या? चटनी है, चटनी नारियल की। कैसा हो रहा है आरव? अच्छा है, टेस्टी टेस्टी है। फयाज ठीक है, मतलब अच्छा है, बट ये कि दोनों का ग्रेवी सेम सेम लग रहा है। ओके तो गाइस हम लिफ्ट में अटक गए थे, लाइट आ गई, मैं ब्लॉग बनाने लगी थी तब तक लाइट आ गई। अटक जाते तो कभी हम अटके तो ब्लॉग बनाना चालू कर देना, तो चालू हो जाएगी है ना। तो भाई खा लिया है, डाइट की तरह तैसी हो गई। ठीक है तो भाई डाइट कैसी तैसी हो गई, पनीर कोरमा खा लिया और इन्होंने भी खाया, वैसे मेरा वेज
मैं इनका नॉन वेज नहीं खा पाई बट इन्होंने मेरा वेज खा लिया। ये बात है। देखो मुँह में दांत नहीं फिर भी लगा रहता है। कितनी सारी लेके आए देख रहे हो इसको भगवान। तो भाई खाना वाना खा के आ चुके हैं, ठीक है, थैंक यू यमी। इसमें तो वो भी लिखा है वेटर कौन था, वेटर कौन था और कैप्टन कौन था। अच्छा, जाहिद वेटर था और कैप्टन था जनरल कैप्टन था। जनरल कैप्टन था कह रहा, और कैप्टन था जनरल कैप्टन था, ऑपरेटर कैप्टन था। पता है पीछे। हाँ ये तो देखो पैदल पैदल ये लोग इसलिए लाए थे ताकि जाते समय खाना भी पच जाए। हो राम, इसी बहाने तो बस आज खा लिया। अब पता नहीं नेक्स्ट पार्टी अब आरब देने वाला कौन देने वाला है। हाँ, तो मोटा लग रहा है तेरे उसमें बाप रे। तू हो गया है मोटा, राक्षस लग रहा हूँ। तू हो गया है मोटा। 50 रुपए तो टैक्स लगा, टैक्स तो लगेगा ही। होटल में बैठ के खाओगे तो बिना टैक्स के खाओगे क्या? गाइज यार खाना वाना खा के मैं आ गई घर और सच में बहुत यमी खाना था, मजा आया। कभी कभी ऐसे बाहर जाना चाहिए। लास्ट टाइम जब मासी मम्मी आए थे फयाज की तभी हम गए थे, और डेली हम मतलब हम इतना जा रहे थे उस टाइम पे कि वो हमारा दूसरा घर लगता था हमें, तो तब से हम अब गए थे। बट कभी कभी जाना चाहिए, बाहर का भी खाना चाहिए, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है माहौल। और अच्छा लगा खा पी के आ गए। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए गुंज ब्लॉग्स, देखना ना भूलिए गुंज वेव्स। थैंक यू सो मच, टाटा।